दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो आज ये नई एक वीडियो फिर से आ रही है। इससे पहले इफेक्ट की 3-4 वीडियो आ चुकी हैं। हम जो है शॉर्ट कवर कर चुके हैं, फ्लैश कवर कर चुके हैं, इसके बाद में हमने जो है सिल्वर मार्क कवर किया था और आज हम देखने जा रहे हैं बबल कि एयर बबल क्या होते हैं, ये डिफेक्ट कैसे आता है, कैसे सही होता है, दिखता कैसे है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी टेक्निकल फादर के, आप वहाँ पर उसे जाकर देख सकते हो। तो आइए आज इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक कोट के साथ शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, तो देख लेते हैं आज कौन सी कोट दी हुई है। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद कर देती है। ये बात सही है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी ये आदमी बुरा है और इसने पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को बर्बाद किया हुआ है, बेकार किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, रियलिटी कुछ और होती है, ग्राउंड लेवल पर रियलिटी जो होती है वो कुछ और होती है। क्योंकि समाज बुराई की तरफ तब जाता है जब एक अच्छे लोग काम करना बंद कर देते हैं। बुराई तब फैलती है जब अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते, वो ये सोच लेते हैं कि नहीं मैं क्यों करूँगा, कोई और करेगा, मुझे क्या लेना देना इन चीज़ों से, जो हो रहा है समाज में होने दो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग तब तक सामने नहीं आएंगे जब तक जो सोसाइटी है वो एक अच्छी सोसाइटी नहीं बनेगी। इसलिए अच्छे लोगों को सामने आना पड़ेगा, जो बुराई है उसका सामना करना पड़ेगा, तभी एक सोसाइटी, एक बेटर सोसाइटी आप हम जो है अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। तो अगर आप अच्छे इंसान हो तो बुराई का सामना कीजिएगा और उसे रोकने की कोशिश कीजिएगा, तभी बुराई जो है वो रुक पाएगी। तो आइए देखते हैं एयर बबल। एयर बबल क्या होता है? सबसे पहले जो डिफेक्ट होता है, जो प्रॉब्लम होती है, अगर हम उस प्रॉब्लम को सही तरीके से जान लें तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आधा ट्रीटमेंट हमने उसे जानकर ही कर लिया। कहा भी जाता है कि क्वेश्चन को पढ़ लेना, वही अच्छा श्रोता, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से एक बार पढ़ लेते हो, उसे आप समझ लेते हो, तो आधा क्वेश्चन जो सॉल्व है वो हो जाता है। तो जब तक हमें डिफेक्ट के बारे में पता नहीं होगा कि डिफेक्ट कौन सा क्या होता है, कैसे आता है, तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि जो डिफेक्ट एयर बबल है वो कैसा दिखता है और होता क्या है। आइए देखते हैं, ये आपको एयर बबल दिख रहा है, ठीक। अब एयर बबल आप देख रहे हो यहाँ पर, लेकिन मैं बता देता हूँ होता क्या है। जब मटेरियल में मिक्स होकर जो एयर होती है वो पार्ट के अंदर चली जाती है, तो पार्ट के अंदर जाने के बाद में वो एक स्पेस घेर लेती है, और वहाँ पर जहाँ पर एयर होगी आप जानते हो कि वहाँ पर मटेरियल नहीं फिल हो पाएगा, और जब वहाँ पर मटेरियल फिल नहीं होगा तो वहाँ पर आपको एक बुलबुला टाइप, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, एक बुलबुला दिखाई देगा, इसे ही हम बोलते हैं एयर बबल। हमने देखा था कि जो ब्लैक स्पॉट आ रहे थे वो पार्ट को कमज़ोर नहीं करते हैं, वीक नहीं करते हैं, ज़्यादातर कमज़ोर नहीं करते हैं, लेकिन जो एयर बबल होता है वो पार्ट में वीकनेस लाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एयर बबल है वहाँ पर क्या आना चाहिए था, मटेरियल आना चाहिए था, लेकिन मटेरियल नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर पार्ट की जो वीकनेस है वो बढ़ जाती है, पार्ट कमज़ोर वहाँ से हो जाता है। तो इसलिए एयर बबल जो होता है वो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट पार्ट के लिए कर देता है, पार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पार्ट के अंदर एयर ट्रैप हो चुकी है तो वही क्या बनाती है, बबल बनाती है। तो हमने देख लिया कि जो एयर ट्रैप हो जाती है तो वही क्या बनाती है, वो बबल बनाती है। तो हमें ये देखना है कि जो बबल एयर ट्रैप हो रही है उससे बबल बन रहा है, तो किसी भी कारण से एयर बबल नहीं बनना चाहिए अगर एयर ट्रैप नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, एयर ट्रैप होने से रोक लेना है, और अगर हम उसे रोक लेते हैं तो इसका मतलब हम बबल को सही कर देते हैं, ठीक है। ये बबल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये बबल बना हुआ है, ठीक। आइए देखते हैं कि फिर ये कैसे कैसे हम इसे सही कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कम होने पर, इसका क्या मतलब है, रॉ मटेरियल अगर हमारे बैरल में रॉ मटेरियल क्या है, कम है, तो
बैरल से हमारे होपर में, सॉरी होपर में अगर मटेरियल रॉ मटेरियल कम है तो होपर से कहाँ जाता है मटेरियल, बैरल के अंदर जाता है। लेकिन अगर मटेरियल नहीं है उसमें तो क्या जाएगी, एयर नीचे चली जाएगी बैरल के अंदर। और वो जो एयर होगी वो मटेरियल में मिक्स होकर कहाँ जाएगी, वो मोल्ड के अंदर चली जाएगी और वहीं पर एयर ट्रैप हो जाएगी और वो बबल का रूप धारण कर लेगी। तो मटेरियल आपका होपर में प्रॉपर भरा होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो फिर पीछे से एयर आने लगती है और एयर उसमें मिक्स होकर मटेरियल में और वो मोल्ड में चली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्शन प्रेशर का अधिक होना। अगर आपका इंजेक्शन प्रेशर क्या है वो अधिक है तो भी जो हमारा बबल है वो बन सकता है। इसके बाद आता है रॉ मटेरियल में मॉइस्चर होना। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूँगा। ये दोनों चीज़, जो पहला है मटेरियल का कम होना और मटेरियल में मॉइस्चर होना, ये इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब मॉइस्चर होगी तो मॉइस्चर नमी जो होगी वो बैरल के अंदर आ जाएगी मटेरियल से, और जब बैरल के अंदर जाएगी तो जैसे ही बैरल का टेम्परेचर उसे मिलेगा तो बैरल का टेम्परेचर मिलने से वो क्या वाष्प अवस्था में बदल जाएगी, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो वेपर फॉर्म होगी वो ही क्या होती है, एयर होती है। और जैसे ही वो मटेरियल के अंदर मिक्स हो जाएगी तो वो एयर ट्रैप हो जाएगी और ट्रैप होने के बाद में वो पार्ट के अंदर हमारा बबल बना देगी। तो मटेरियल में मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। और मटेरियल से मॉइस्चर दूर करने का क्या तरीका है, प्रीहीट टेम्परेचर, जो हमारा प्रीहीट टेम्परेचर है, प्रीहीट टाइम है, वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि हमारा मटेरियल जो होना चाहिए वो प्री ड्राई होना चाहिए। इसके बाद आता है मोल्ड का टेम्परेचर अधिक होना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड ही, एक तो मोल्ड का टेम्परेचर और एक होल्डिंग प्रेशर। इन दोनों चीज़ों पे आपको काम करना है। अगर आपके जो मोल्ड है, मोल्ड में जो पार्ट बन रहा है, पार्ट में अगर बबल आ जाता है तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। कैसे, अगर आपके उसमें बबल आ रहा है तो आप मोल्ड के टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो बबल है वो सही हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर होल्डिंग प्रेशर है आप उसे बढ़ा दोगे तब भी हमारा जो बबल है वो सही हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन्हीं पे काम करना होता है, क्योंकि जो मोल्ड का टेम्परेचर है उसे बढ़ाने पर सही हो जाएगा, होल्डिंग प्रेशर है उसे बढ़ाने पर बबल जो है वो सही हो जाता है। बैरल का टेम्परेचर, ठीक, बैरल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी क्या हो जाएगा, हमारा जो बबल है वो बन जाएगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब बैरल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बबल वो बनने लगते हैं, बुलबुले टाइप बनने लगते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में अगर खद्दा टाइप डालोगे ना, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं ऊपर को, तो वो बुलबुले पड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो बुलबुले पड़ते हैं तो मटेरियल के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और वही बबल बना लेती है आगे जाकर। ये हमने देख ही लिया कि जो प्री ड्राइंग टेम्परेचर है वो हमारा सही होना चाहिए, मटेरियल में नमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्शन स्पीड, क्योंकि इंजेक्शन स्पीड, आप एक चीज़ देखो, आप यहाँ से मटेरियल को फिल कर रहे हो तो धीरे धीरे मटेरियल जा रहा है, ठीक है, और वो मटेरियल जा रहा है तो वो आराम से पार्ट हमारा फिल हो पा रहा है। लेकिन अगर क्या हो जाए, हम स्पीड से भर दें तो उसमें भी क्या हो जाएगी, आसपास की जो एयर होगी वो भी उसके अंदर चली जाएगी और वो पार्ट में मिक्स हो जाएगी और वो क्या बना लेगी, एयर बबल बना लेगी। तो इंजेक्शन स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होनी चाहिए। अगर इंजेक्शन स्पीड हमारी कम होगी तो बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में, बताओ कि क्या फ़र्क पड़ सकता है अगर जो इंजेक्शन स्पीड है वो कम होगी, टाइम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो तुम्हारा साइकिल टाइम है उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद देखते हैं मोल्ड वेंटिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसे भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। मोल्ड वेंटिंग, अगर आपके मोल्ड की जो वेंटिंग होती है वो प्रॉपर नहीं है तो भी क्या आएगा, एयर बबल आने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मोल्ड वेंटिंग होती क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि मोल्ड वेंटिंग होती क्या है, और मोल्ड अगर वेंटिंग बंद हो जाएगी तो क्या होगा, अगर थोड़ी कम हो जाएगी तो क्या होगा, बंद बिल्कुल खुली रहेगी तो क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या क्या रोल निभा सकती है, क्या एक्ट कर सकती है ये मोल्ड वेंटिंग, देते क्यों हैं, क्या प्रत्येक कैविटी में होती है, ये सारी चीज़ें आपको नीचे बतानी है। RPM, रोटेशन पर मिनट, ठीक, अगर स्क्रू की स्पीड भी क्या है ज़्यादा है तो भी हमारा बबल बनेगा ही बनेगा, ठीक है, तो RPM भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं कि ऐसा क्यों होता है,
ठीक है, तो वीडियो जो होती है कुछ लंबी बन जाती है फिर, अगर इन्हें डिस्कस हम नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, वरना इसमें बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा गहराई है, अगर हम इसे डिस्कस करने पर बैठ जाएं तो एक एक पॉइंट में ही काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आप फिर हम जो है एक एक पॉइंट के ऊपर ही उठा के वीडियो बना देंगे, ताकि वो एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस अच्छे तरीके से हो सके। कूलिंग टाइम, कूलिंग टाइम अगर हमारा क्या है कम है तो भी एयर बबल आने के चांस होते हैं। उससे क्या होता है, जैसे कूलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, कूलिंग टाइम का मतलब दो तरीके से होता है। दो तरीके से क्या मतलब, एक तो वो पार्ट को ठंडा करता है पहली चीज़, दूसरी चीज़ पार्ट एक जगह उसे ठहर कर एक समय मिल जाता है प्रॉपर, जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं पार्ट के उन्हें आपस में मिक्स होने का, मिलने का, आपस में जॉइंट होने का एक समय मिल जाता है कूलिंग टाइम के टाइम। तो जब मॉलिक्यूल आपस में मेल्ट होकर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो उनके जो बीच का स्पेस होगा उसमें एयर ट्रैप नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब उनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में एयर बन जाती है तभी तो वो बबल बनती है। तो इसलिए जो प्रॉपर टाइम है कूलिंग टाइम वो हमारा सही होना चाहिए। अब देखोगे भी अगर आपने एक पत्थर रख दिया, दूसरा पत्थर रख दिया, तीसरा पत्थर रख दिया तो उसके बीच में गैप बन जाएगा, क्योंकि वो गैप जो है वो पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाएगा और उसमें एयर आपकी ट्रैप हो जाएगी। नेक्स्ट है मोल्ड में वाटर या ऑयल का लगा होना, ठीक, तो इससे भी क्या हो जाता है एयर बबल क्यों बनेगा भाई, इसलिए बनेगा क्योंकि वाटर ही भी क्या है, वाटर एक नमी है, नमी जैसे ही मोल्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा, मोल्ड का टेम्परेचर बढ़ने के बाद में वो क्या बनेगी एयर, पानी क्या बनेगा, वो वाष्प अवस्था में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा, और वो वेपर फॉर्म ही क्या हो जाती है एयर बन जाती है, और वही मटेरियल में मिक्स हो जाती है और वो क्या बन जाती है एयर बबल बना लेता है। वही रोल किसका है, ऑयल का है। मोल्ड की कूलिंग हम देख चुके, मोल्ड की कूलिंग अगर सही नहीं है तो भी हमारा क्या बन जाएगा, बबल बन जाएगा। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको किस चीज पे काम करना है। तो सबसे पहले अगर आपके मोल्ड में या पार्ट में एयर बबल बन रहा है तो सबसे पहले आपको काम कहाँ पे करना है, एक तो मोल्ड टेम्परेचर पर यानी कि MTC पे आपको वर्क करना है, MTC का टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए नंबर एक। नंबर दो, होल्डिंग प्रेशर आपका सही होना चाहिए, क्योंकि होल्डिंग प्रेशर अगर कम है तो भी बबल की प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर तीन, आपके मोल्ड में आपके जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसमें मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, नंबर तीन। नंबर चार, आपकी जो RPM है वो ज़्यादा ना हो, ठीक। उसके बाद में नंबर पाँच, आपका जो टेम्परेचर है बैरल का वो सही होना चाहिए, वो ज़्यादा ना हो। नंबर छः, आपकी जो HRTC का टेम्परेचर है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो ज़्यादा ना हो। इन चीज़ों पे आप स्टेप बाय स्टेप अगर काम करोगे तो बबल की प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी या कुछ और कुछ छूट गया है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, वैसे आप अगर उसे रिवाइज़ करके वीडियो को देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आंसर दिया जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जब तक आपके माइंड में से नए विचार नहीं निकल कर आएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट बहुत तरीके से नहीं होगी। अगर आपको माइंड में क्लियरिटी बैठानी है, आप कहते हैं ना कि जो तजर्बा होता है वो आपको क्वेश्चन पूछकर, क्वेश्चन जानकर, क्वेश्चन पढ़कर, खुद से करके ही होता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो तब तक वो मुश्किल चीज़ है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीन पर काम किया कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।